nothing else. अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृतवाणी, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक और 14 भवन में कहता कोई भी सत्संगी नहीं है, कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। इस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और तभी ये अज्ञान रूप अंधकार आपके हृदय से दूर होगा और इसका कोई विकल्प नहीं। अब बोड़ी आत्मा जो उन नकली संतों की दंत कथा सुन रहे हैं, वो कहते हैं वो भी कोई संत है जो किताब दिखावे। संत तो धारावाहिक वचन कराया करें, इन धारावाहिक का नाश कर रख्या, सारा भट्ठा बैठा दिया। अरे थोड़े से दिन में देख लेना, यदि ये ग्रंथ दास को आवश्यकता ना हो आपको दिखाने की तो मुझे क्या जरूरत है। मुझे तो कंठस्थ मालिक की दया से दया हो रही है परमात्मा की, इन सदग्रंथों से पहले ये ज्ञान था जो आज इन सदग्रंथों में आपको दिखा रहे हैं। इन सदग्रंथों से नहीं ग्रहण किया था वो ज्ञान, वो सूक्ष्म वेद से ग्रहण किया था, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से प्राप्त था। तो आपको इसलिए ये सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप जी इस दास के वचनों पर विश्वास कर सकें कि जो कह रहे हैं वो सारी साची है, और तभी आपका हृदय परमात्मा के अंदर अटूट श्रद्धा से लगेगा, फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। नहीं तो ये काल के दूत तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे यदि आपको स्वयं ज्ञान ना होगा। तो अब दुर्गा क्या कहती है, वैसे तो मैंने वर्बली बता दी कि इसमें दो बात है। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत् ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है, और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावर्ती के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा, और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर, और ये संक्षिप्त देवी भागवत, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानों उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है, ब्रह्म को अक्सर पुरुष बोल रही है, अक्सर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्सर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो,
और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर बेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही, और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा जीव जो है ओम का जाप करे ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे, इससे ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रही है, और फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुणात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में है। और के क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। पुणात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके, गीता पुरुष गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है 101 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ, नाथ नहीं, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा, वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता, फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी काल के पेट से दुर्गा, और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएँ हैं। यानी ये दुर्गा है
और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन, ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता, अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदा शिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्राणंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं।